कैंप बने उनके नीचे गदरे के साइड में, एक गदरा था ना जो जो हमारी सरस्वती नदी आती है ना, वो सरस्वती नदी जो देवताल से आती है। भले उसका एक और भाग इधर ग्लेशियर है बहुत बड़ा, सरस्वती ग्लेशियर, उसे उसका नाम पड़ा हुआ है। ये सुन यहाँ, अच्छा आते समय ये रावणों का घाट है, रावल जो भी मरेगा यहाँ उसका दाह संस्कार होता है, रावल घाट बोलते इसको। सनकादि घाट इसका नाम है वैसे, सनकादि घाट। हाँ सनकादि घाट। और जी मोड़ों से जा रही, यही जा रही ना बॉर्डर के लिए रोड, ओ वो माधव, वो ये सीधे जो है यहाँ ये देवताल गई है सड़क। अच्छा देवताल, देवताल जाके ये ब्रेक हो जाएगी ये सड़क। हमारा अलाउड है जाना? हाँ नहीं, वहाँ पर डीएम से पास आएगा तब ब्रिगेड कमांडर के पास आएगा, ब्रिगेड कमांडर जो है पास करके जोशीमठ से तब वो कर्नल बॉर्डर स्कोर के पास जाएगा, कर्नल पास करेगा तब यहाँ फैक्स आता है। अच्छा। सारे मोबाइलों पर इन पर जो सेट है ना उसमें पूरा नाम आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आधार नंबर डाटा आ जाएगा, तब वो गेटों पर वो चेक होता है। अच्छा, परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ यहाँ तो बाकी कोई ऐसे घुस ही नहीं सकता है, लोकल भी नहीं जा सकते यहाँ, लोकल भी आगे वाले गेट से यहाँ पर से जाएगा, लेकिन आगे गेट है एक जो है क्या पानी है आगे एक, वहां से जो है वो लोकल को भी जो है नहीं जाने देते आगे, वहां से सिर्फ बस चिड़िया जो आकाश में उड़ती है। अच्छा वही जा, और बस बाकी नीचे जमीन में कीड़े चींटी भी नहीं है ठंड के मारे वहाँ, बस बर्फ बहुत गिरी है। अरे बर्फ क्या, इससे ऊपर तो 18,000 की हाइट है जहाँ पर हम गए थे। हाँ उसका हाइट जो बोर्ड लगा था वहां पर जो है देवताल में, उसमें लिखा था 17,975। अच्छा देवताल पे 17,975 है। ये है एचईवी का कैंप। अच्छा एचईवी, हाँ ये पूरा कैंप एचईवी का है, ये सामने जो दिख रहा है, और उस साइड में आगे जाके जो है मंदिर है माता मूर्ति का। अच्छा माता मूर्ति का, हाँ ये है वहाँ। और देखो कितनी गाड़ियां ये लगी पड़ी है, ये सारी गाड़ियां जो है यहाँ देखने आए होंगे, तो आगे 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 ले चल, जगह तो वो जगह होगी, ये होता है वहाँ बहुत जगह होगी आगे जो है, अभी ऐसे नहीं कि जगह नहीं है। हाँ ये इधर इधर ही लगा लेना यहाँ, जहाँ जहाँ पर वो हो जाएगा जगह खाली। मैं बाहर उतरूँ? हाँ। माता मूर्ति का ले लूँ इसमें? हाँ आप ले लीजिए, आप बोलते भी रहिए। हाँ अभी हम माना गांव पहुंच गए हैं, और ये यहाँ पर जो है सामने आईटीबीपी का जो है कैंप है, और ये नीचे झूला पुल है। माना गांव और माता मूर्ति का सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जो है यहाँ जो है माता मूर्ति का जो है भव्य मेला लगता है। यहाँ पर जो है भगवान जो है उद्धव जी जो है यहाँ अपने जो है माता मूर्ति के जो है यहाँ पर आते हैं उनको मिलने साल भर में एक बार, और ये जो है आपके भादो मास में ये मेला लगता है। यहाँ पर जो है इधर से जो है सामने जो है आपको आगे जो है पहाड़ी के नीचे जहाँ बर्फ गिरी हुई है वहाँ वसुधारा है, वसुधारा एक अलौकिक जो है दृश्य नज़ारा देखने को मिलता है। उसमें यहाँ के जो है अनेक यात्री वहाँ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के जो है अपने घरों को ले जाते हैं। यहीं माना गाँव में पास में जो है अभी भीम पुल है, सरस्वती नदी का जो है उद्गम है, यहाँ से जो है सरस्वती नदी आती है। अभी हम माना गांव जो है पहुंच गए हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे व्यास गुफा गणेश गुफा, और आगे हमारा बॉर्डर है। अभी हमारे बद्रीनाथ धाम है डिस्ट्रिक्ट चमोली का उत्तराखंड का दास गांव माणा गांव पहुंच गए हम, और यहां से माणा से आगे जो है हमारे चीन से बॉर्डर लगते हैं, और आगे जो है सारा जो है संवेदनशील इलाका है, उसमें जो है
किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है बिना पास के। ये गांव 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 वालों के लिए वो हो रहा है लोकल पूरा। बिल्कुल ले जाओ खरीदा। मंदिर घंटाकरण है कि नहीं? अच्छा ये रस्ते लो वापस मल बैठ। भगवान जय हो भगवान। बस अब हम एक घंटाकरण मंदिर में पहुंचे। ये है घंटाकरण। देख हाथ में देखा, ये है भगवान घंटाकरण का मंदिर। ये ब्याज गुफा गणेश गुफा संगम तिरु रेस्टोरेंट मा मैगी समोसे ब्रेड पकौड़े थाली। वाह वाह क्या सुंदर बाजार बन गए। वाह ये टोपी देखो ना, ये सब हस्तशिल्प है ना। लिया मैं देख लिया सब। अच्छा ये कॉमेलन ग्रीन टी कॉमेलन नहीं है? अरे ये बन क्या बॉन्ड भेजिए। हां लोड पर क्या सुंदर बाट बनी है देखो ना। हां पहले
बड़ा मुश्किल हाँ हाँ ये बैठाने को नहीं चुकता आसन आसन जैसे पूजा पाठ आसन चलो ये नीचे ये रास्ता जा रहा है नीचे सामने जो दिखाई दे रहा है ये बन दिखाई दे रहा है ये यहाँ ये राजी बन है ये आज से पहले डिस्ट्रिक्ट चमोली में जो युवा कांग्रेस है उन्होंने ये बन बनाया था जो है ये अभी काफी बड़े हो गए और ये 12-14 साल पहले पेड़ लगे थे सामने से जो है माता मूर्ति का मंदिर है वहां से सदोपंत का रास्ता जाता है और ये सदोपंत का रास्ता इसके पीछे से आगे ये संगम है नीचे ये जो है नंदा और ये जो है हमारा जो सरस्वती नदी दोनों का संगम है नीचे इसको कहते हैं केशव प्रयाग ये केशव प्रयाग के नाम से विश्वविख्यात है और ये दक्षिण भारत वालों का जो है सबसे बड़ा धाम है 12 वर्ष में यहाँ जो है कुंभ की भांति मेला आयोजन होता है वो अपने पितरों का श्राद्ध मोक्ष के लिए यहाँ जो है तर्पण करते हैं केशव प्रयाग में और ये 12 वर्ष में होता है आयोजन पूरे दक्षिण भारत के लोग आके यहाँ लाखों की तादाद में हर 12 साल में यहाँ पर जो है कुंभ की भांति जो है अपने पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं पर उन्होंने जो है अपने जो है शरीर छोड़ दिया था जब स्वर्गारोहण को पांडव गए थे तो पांडव इसी रास्ते स्वर्गारोहण गए थे और ये सामने जो दिखाई दे रहा मंदिर यहाँ पर ये माता द्रौपदी इससे आगे नहीं जा पाए यही उनका शरीर छूट गया था वसुधारा होते हुए स्वर्गारोहण का रास्ता है जो सदोपंत को जाता है अभी आगे यहाँ पर भीम पुल आएगा जब ये इस सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाए थे पांडव जो है तो उसके बाद यहाँ पर जो है भीम ने जो एक शिला रखी थी भीम शिला के नाम से वो प्रसिद्ध है सम्या सम्या श्याम चरण घोड़े के जो है निशान है अभी हम थोड़ी बाएं हाथ में आ गए यहाँ दाहिने हाथ में उसके ऊपर आकृति है वो आपको जो है व्यास गुफा से जो है वो दिखाई देगा ऊपर जो है यहाँ श्याम चरण घोड़े के जो है आकृति यहाँ किसी को पता नहीं है कि ये केशव प्रयाग है जानकारी नहीं लोगों को ये केशव प्रयाग में जो 12 साल में यहाँ कुंभ लगता है अरे अच्छा अरे योगी जाके सब चलियो ये नाजी रजी थी यहाँ ये देखो सरस्वती नदी के धारा ये सामने ये सरस्वती नदी आ रही है ये सरस्वती नदी का ये मंदिर है ये मंदिर तो क्या है ये जहाँ हम खड़े हैं ये एक ही शिला है पूरे और ये पूरी एक शिला वहां से लेकर के यहाँ तक ये सरस्वती नदी के ऊपर है एक शिला में ये जो है पूरा पुल बना हुआ है ये भीम ने ये शिला रखी थी इसको भीम शिला के नाम से जाना जाता है फोटो
लेकर के यहाँ तक ये जो है मानव जब स्वर्गारोहण गए थे उसने इनका ये भीम जी ने जो है ये शिला रखी थी, इसको कहते हैं भीम शिला सरस्वती नदी, यहीं से जो है सरोपन का स्वर्गारोहण को पांडवों ने जो है लास्ट अपना जो है वो किया था। कति टाइम ले जाऊँ वसुधारा जाने पे, कितना समय लग जाता यहाँ पे? यहाँ से वसुधारा लगा ले 2 घंटे का टाइम लगातार चलेंगे तो? हाँ लगातार चलेंगे। और सत्तोपंत के लिए? सत्तोपंत तो जो है यहाँ से 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर और हाइट है उसकी जो है करीब 14,000 है। कितना है है, वो झंडे लगे हुए हैं माता के मंदिर का जो उधर पीछे वो सामने जो है भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा है, वो जो है भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पर। और इधर आधी जो है सदोपन का रास्ता, ये दोनों साइडों से जाता है माता मूर्ति के जो भगवान बद्री विशाल की जय। बोलो माणा क्षेत्रपाल घंटाकरण की जय। और इसके सीधे ऊपर ये सामने ये है मुकचुंग गुफा, ऊपर सामने आप जो देखें सड़क के ऊपर जो है जहाँ ये जो है सफेद वो लाल मिट्टी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कटी हुई सड़क के ऊपर जो है वो काले काले पत्थरों के चट्टान दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो है मुकचुंग गुफा है, विशाल गुफा है। वहाँ भगवान जब जो है युद्ध करते करते वो हो गए थे तो मुकचुंग जी जो है यहाँ आ गए थे थक के जो है, वो हजारों बरस तक जो है युद्ध लड़ते रहे और आराम करने सोने यहाँ आ गए। ये मेरे दाहिने तरफ जो सामने गुफा दिख रही है और चट्टान के नीचे एक दीवार दिख रही है, इसके अंदर में लंबी गुफा है। हमारे जो है 100 साल पहले जो देश आजाद नहीं हुआ था उससे पूर्व में पहले हमारा यहाँ से जो है तिब्बत व्यापार चलता था। तिब्बत व्यापार के लिए क्या करते थे कि जो नीचे से जो है उत्तराखंड से अनाज लाते थे मंडुआ वा जो यहाँ से जो भी अनाज आता था उत्तराखंड का उसको यहाँ जमा करती थी और ये अनाज यहाँ से तिब्बत जाता था। उनको तिब्बत जाके हमारे जो भोटिया बंधु जनजाति के लोग हैं ये लोग अनाज को वहाँ दे के वहाँ से नमक लाते थे उसके बदले में संटवारा करके, तो नमक लेके यहाँ आके यहाँ जमा करते थे। तो ये यहाँ इस उडियार में जो है
ये जो है 2-3 साल तक ये नमक खराब नहीं होता था, इस उड़ियार में जमा रहता था। इसी से वो नमक को जो है पूरे उत्तराखंड में जो पास करते थे और नमक जो है गांव-गांव ले जाते थे बकरियों में, और बकरियों में ही जो है हमारे जो याक हैं, जोपा हैं, उनसे जो है इसका जो है पूरा जो है संसाधन बनता था, आवागमन होता था, सामान को वहां ढोना, तिब्बत में तिब्बत से सामान लेके जो है यहाँ उत्तराखंड में आना, और उत्तराखंड में जो है इसका जो है गांव-गांव तक वितरण होता था।